चूतिए ने और ट्रैफिक लगवा दिया, एक रह गया चूतिया, देखो 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 है ना, ये चूतिया दिल्ली के भाई, ये भाई नई चीज है उसकी लाइट। ओके वेलकम 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 गाइस टू माय अनदर व्लॉग। टुडे इज वेडनेसडे, आफ्टर लॉन्ग टाइम इज वेडनेसडे, मतलब मेरे लिए तो बहुत दिनों बाद वेडनेसडे आया क्योंकि मैं घर से बाहर निकलता हूँ, मेरे लिए तो अभी वेडनेसडे है ना, और वीकेंड वरना मैं तो घर में रहता हूँ, मेरे लिए क्या ऐसा कि आप लोग भी बोल सकते हो कि भाई आज तो हम भी नहीं लोग जाते पार्टी करने, तो हमारे लिए भी क्या वीकेंड, बट भाई वीकेंड तो होता है, तुम्हारी छुट्टियाँ तो होती हैं, हमारी तो छुट्टी और ना छुट्टी के बराबर होती है क्योंकि हम तो बीमार पड़े हैं और कभी कभी घर से निकल पा रहे हैं, जब थोड़ा सा ठीक होता हूँ तो मैं निकलता हूँ, अदरवाइज मैं घर में ही रहता हूँ है ना। तो ये चीज़ हमारी लाइफ में चल रही है आजकल, जो कि समझ में और ना समझ में आ जाने जैसी है। बाल बड़े हो गए हैं, कटवाए नहीं हैं, दाढ़ी हम घर में ही ट्रिमर कर लेते हैं है ना, यही चल रहा है आजकल हमारी ज़िंदगी में। और आज है वेडनेसडे नाइट और कपल एंड सिंगल लेडीज़ की एंट्री फ्री हो जाती है हमारी ऐप के थ्रू, अगर आप हमारी ऐप से बुक करके जाते हो कहीं तो, और लेडीज़ ड्रिंक्स भी फ्री हो जाती है भाई, मैं नहीं कहता हूँ कि आप पियो बट ऑफर है तो बस मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है। और अभी हम जा रहे हैं सीपी की साइड क्योंकि आज हो रही है थोड़ी सी। ये है चूतिया भाई, देखो दिल्ली का सबसे बड़ा चूतिया, देखो ये रहा लाइट, देखो हमारी है ठीक है, मास्क लगा रखा है चूतिए ने और ट्रैफिक लगवा दिया, एक रह गया चूतिया, देखो 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 है ना, ये चूतिया दिल्ली के भाई जो कि ग्रीन लाइट के अंदर घुस जाते हैं, नो राइट टर्न लिखा हुआ है, इस साइड से भी इधर नहीं घुस सकता बंदा, इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, सीधी गाड़ी का ये बट चूतिया नहीं मानते भाई, चूतिया अंदर घुस जाते भाई तभी इनको चूतिया कहते भाई है ना, बेवकूफ़ भी बोल सकता था बट ये बेवकूफ़ से भी ऊपर वाला लेवल है ना, इसलिए हम इसको चूतिया बोल रहे हैं, ये बेवकूफ़ तो है ही नहीं, ये तो चूतिया लेवल के बंदे भाई ये, देख रहे हो क्या मस्त बारिश हो रही है और अपन जा रहे हैं इस बारिश को एंजॉय करने के लिए, ऐसे ही चाय पियेंगे, हालांकि हमने विंडचीटर नहीं लाया है, मेरे को विंडचीटर लेके आना था जिससे मैं घूम सकता था बारिश के अंदर, बट जूते फिर भी गीले हो जाते और सर्दियों का टाइम है तो विंडचीटर तो गर्मियों में काम करता है ना मेरा, क्योंकि अगर उसमें पैर वैर गीले भी हो गए तो उसमें बीमार पड़ने के चांसेस कम होते हैं ना, इस टाइम पे तो पहले ही ऑलरेडी बीमार हो तो और क्या ज़्यादा बीमार हो जाऊंगा, मतलब तो ठीक नहीं है ज़्यादा पंगे लेना बॉडी से, क्योंकि बॉडी की एक लिमिट होती है और बॉडी को अगर तुम छेड़ोगे ना ज़्यादा तो फिर बॉडी अपना रिएक्शन दिखाएगी और वो कुछ भी कर सकती है। कहाँ जाएगा वो, कहाँ जाएगा, दिल्ली की बारिश सर्दियों वाली ठीक है, और मज़ा भी आता है भाई बारिश में, सच में मज़ा आता है, हालांकि चक्कर क्या हो गया ना, अब सीन ये हो गया, जिस भैया से हम मिलने जा रहे थे उनको बोला यार, उन्होंने बोला मतलब यार भाई मेरे को थोड़ा सा फीवर वाला सीन हो गया क्योंकि मैं 2 दिन से कहीं बाहर था तो आज मेरे को थोड़ा फीवर हो गया, तो आज के लिए सॉरी है, कल मिलेंगे। मैंने कहा भैया कल का तो पता नहीं है बट आज मैं जा रहा हूँ खुद ही अकेले इन्जॉय करने, तो उनको पता ही है अगर कोई भी नहीं आएगा तो फिर भी अकेले तो इन्जॉय करता ही है ये, तो उन्होंने इसलिए मुझे मना कर दिया, उन्होंने बोला कि दूसरे मित्र होंगे, मैं कहा वो भी नहीं आया हूँ तो मुंबई गए हुए हैं, जब वो आएंगे तो फिर उनसे भी मिल लेंगे, मैं कोई बात नहीं आज हम अकेले इन्जॉय करेंगे आप और मैं ठीक है, तो आज हम कैमरा ऑन रखेंगे क्योंकि वो है नहीं आज दिल्ली में, दूसरे वाले भी और उनको व्यूअर होगा जिनसे मिलते हैं वो क्या ब्लॉग में आते नहीं है, ब्लॉग बना नहीं पाते, तो हम आज और मैं और आप हम कैमरे के अंदर बंद रहेंगे, कमरा तो है नहीं कैमरा ही बंद रहेगा ना, और बारिश के अंदर घूमेंगे चाय पियेंगे ऐश करेंगे और क्या फिर जाएंगे क्लब राइट। भाई ये देखो है ना कितना टाइम, देख लो पहले
चाय वाय हो गई हमारी, हम गाड़ी के अंदर वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे, एमाउस जाएंगे और वहाँ बंदा वेदर रिपोर्ट दे रहा है भाई, या हो सकता है न्यूज वाला है, कुछ भी रिपोर्ट बता रहा हूँ। जब मैं अरे मिस्टर थापा जी, तुम्हारी ड्यूटी यहीं लग गई क्या परमानेंट? क्या भाई, बहुत टाइम बाद। हाँ बाहर गया था। हेलो एवरीबॉडी, ऑफिस के अंदर भयानक लाइट जल रही है भाई। आज अपनी वेडनेसडे, सुप्रीम वेडनेसडे, जो कि अपना फेमस है भाई, और एम हाउस की लाइटिंग तो आपको ओ भाई नई चीज, ये भाई नई चीज है, हाउस की लाइट। फोन करें भसड़ मची हुई है भाई, मंकिया उंगली दिखाता हुआ आप लोगों को, हमें भी दिखा सकता है। हेलो, मैं अभी बता सकता हूँ, वहाँ पे मैनेजर जीएम बैठे होंगे हमारे, अभी बता सकता हूँ बिना देखा। आई नो सी। हेलो एवरीबॉडी, मैं एडिट कर लूँगा जितना वेट कराओगे, जब हेलो करोगे तब दिखा दूंगा। और डीजे क्या ना डीजे, तो ये सीन है गाइस, ऐसे कर लेता हूँ अब, ठीक है ना? तो अभी मतलब ऐसा म्यूजिक है कि कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, बट आ सकता है। बाहर ले चलते हैं आपको, एक्चुअली बहुत दिन हो गए ना, हमने हमारे बाहर का सीन दिखाया एंट्री का, आज दिखाएंगे बट आपको, है ना? जनरली तो 3-4 ब्लॉक से अंदर का ही सीन चल रहा है, बाहर का हम दिखा ही नहीं पा रहे हैं, आज दिखा देंगे आपको बाहर का। हेलो राक्षस, ये देखो एवरीवन इज हीटर के पास खड़ा हुआ हर बंदा, देखो बट डोंट वरी, क्लब के अंदर हीटर होता है हमारे पास, तो आप अंदर आराम से आ सकते हो। ये अगली फेस हमारा ही है, किसी और का नहीं है, सरदार जी हैं। जितेंद्र कोई और है, अंदर का बंदा बुलाया, बार 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 आ जितेंद्र, बार आ, ये बंदा जितेंद्र। हेलो बोल दे, ले जा कटोरी, ले जा तू अंदर जा, कटोरी नहीं है कुछ और सामान था, तो मजाक कर, नहीं आप सीरियस मत हो जाना मेरी बात में भाई, हो गए तो कर क्या लोगे सीरियस, आप हो जाओ। क्यों थापा जी, थापा जी भी गेम में लगे हो, चिंता मत करो, आज लड़कों को पकड़ेंगे नहीं, उनकी गेट पे ड्यूटी लग गई, अब ये गेट पे पकड़ लेते, गेट पे बता देते बंदा था, पैसे नहीं खर्च करेगा, ये लड़कियों की दारू पिएगा फ्री वाली, और यहीं से भगा देते हैं थापा जी। अब अंदर का रिस्क चेंज कर दिया मैंने ना, यहाँ टिक होंगे और यहाँ से अंदर जाएंगे, सिंपल। कैप डाली उसने यार, मतलब ध्यान से दिया, कैप है भाई, भाई की तरह कैप है। सीन इज भसड़ वाला स्टार्ट हो चुका है भाई, सीन थोड़ा सा ऐसा है, एंट्री स्टार्ट हो गई, देख तो लिया ही आप लोगों ने, कैमरे का एंगल खराब हो चुका है, वो भी आप देख रहे हो, है ना? और इस जैकेट से भाई फिर से प्यार हो गया मेरे को, मैं कुछ और जैकेट पहन ही दे रहा हूँ, मेरे घर वाले भी बोलने लगे भाई, जब जब जाता है इसी जैकेट भी पहन के जा रहा है, और मेरे घर वालों को फोबिया हो गया कि ठीक नहीं हो रहा भाई, तो जब जब जैकेट पहनता तब बीमार हो गया था, क्लब के लिए निकलता है, क्या करूँ बोला, पसंद है तो पसंद है, जैकेट से कौन बीमार हो सकता है ना, तो इसलिए हम इस जैकेट को उतार नहीं रहे, जैकेट को पहन रहे। और सुप्रीम वेडनेसडे हमारा स्टार्ट हो चुका है, आई लव। Every breath hold, 'cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold, 'cause I can't move on till I let go. Let's go! I need
need to be strong every breath hold. ये वेदर है भाई, बारिश हुई है फुल बढ़िया वाली दिल्ली में। टाइम हुआ ये हमारे घर जाने का टाइम हो गया, क्योंकि हम ज़्यादा देर रुकते नहीं है क्लब के अंदर। और ये इन्होंने बैरिकेड लगा रखे हैं, हालांकि यहाँ पे मना करते हैं क्योंकि अभी हमारे पीछे कोई आ नहीं रहा, तो इसलिए हमने अपना कैमरा ऑन कर दिया। वाइस कैमरा ऑफ रखते हैं क्योंकि यहाँ पे स्नैचिंग हो जाती है भाई चीज़ों की। और गाड़ी जिस तरीके से हमने पार्क की थी ना, उस हिसाब से हमने गाड़ी हमारी निकल जाएगी, किसी को बुलाना नहीं पड़ता। वैसे वैली वाला बुलाना पड़ता भाई साहब, हमें गाड़ी निकालनी है आपके पे आ जाएंगे। अरे रुक जा यार, बैठ तो जान दे, तू भी बहुत जल्दी में है, इसको भी ठंड लग रही है। कह रही भाई गाड़ी बंद कर ले, बंद आ जाए गेट बंद कर ले भाई, अपना तो है घर जाने का टाइम है ना। एक सेकेंड जरा हम शूज चेंज कर लेना। जो स्पोर्ट शूज में घर से पहन के आया था ना, वो तो हो गए गीले, क्योंकि मैं सीपी में घूमा तो शूज हो गए वो गीले। अब जब गीले हो गए तो फिर हम एक्स्ट्रा पेयर हमारे गाड़ी में होते हैं, जो कि काम आ गए हमारे। और गाड़ी अभी फुल चल रही है ब्लू लाइट वाली, जब तक ये बंद नहीं होगी तब तक हम गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है गाड़ी का कि अगर आप ऐसे चलाओगे तो इंजन में हार्म हो सकता है, क्योंकि गाड़ी अभी ठंडी है। फोन चार्जिंग पे लगा देते हैं फोन, क्योंकि जा चुके हैं बंद होने के कगार पे। एक्चुअली मैंने अभी गाने चलाए थे, बट गाने चलाऊंगा तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा भाई, इसलिए मैंने बंद कर दी। और अभी अपन का टाइम है घर जाने का, क्योंकि मुझे जाते जाते 3:52 हो गया टाइम। ये देखो 3:48 है इसमें घड़ी, और है ना, और इसमें दिखा रहा है 3:52 घड़ी के अंदर, फ़ोन में 3:48, मतलब 4 मिनट मेरी ये वाली घड़ी आ गई वाली है ना। तो मेरे घर पहुँचते ऑलमोस्ट लग जाएगा 4 बज जाएंगे, ऑलमोस्ट पूरे ही 4 बज जाएंगे, पार्क वार्क करके रूम में घुसने में 4 बज जाएंगे। तो ये था आज हमारा मंकी सुप्रीम वेडनेसडे, जो कि पूरा सुपर पैक्ड है। और जब सुपर पैक्ड है तो भाई है सुपर पैक्ड, यहाँ की रेड लाइट चलती है भाई आजकल, तो इस रेड लाइट बड़ा ध्यान से निकलना चाहिए। तो ये थी हमारी नाइट, क्योंकि अभी चल रही होगी एमाउस में, हम तो घर जा रहे हैं तो हमारे लिए तो बंद होगी नाइट है ना। कपल एंट्री और सिंगल एंट्री, सिंगल फीमेल की एंट्री आपको बताइए हमारी ऐप के थ्रू। सिंगल मेल अलाउड है कपल के साथ, जो कि मैं आपके हर ब्लॉग में देता हूँ। लोग फिर भी पूछते हैं भाई कि ये था एम हाउस क्लब, जनरली लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई क्लब का नाम बता दिया करो, क्लब का नाम बता दिया करो। तो क्लब का नाम मैं बता रहा हूँ, वो है एम हाउस नेहरू प्लेस इरोस होटल के अंदर। आप बड़ी खुशी से यहाँ पर आ सकते हैं, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन भी नेहरू प्लेस का मेट्रो स्टेशन है ना, ऑलमोस्ट 500 मीटर, मतलब आधा किलोमीटर 500 मीटर है एम हाउस नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन से। जो लोग आना चाहते हैं उससे आ सकते हैं, और अदरवाइज़ लोग कैब ही यूज़ करते हैं, जो लोग अपना व्हीकल, जिनके पास नहीं है अपना व्हीकल है ना, जिनके पास अपनी गाड़ी वगैरह नहीं, तो वही यूज़ करते हैं। और तो अब मैं क्या ही बताऊँ, बहुत दिनों बाद निकला था तो कुछ खास ऐसा था नहीं, कि वीकडेज में कुछ खास ऐसा होता नहीं, मैं जो आपको अपडेट कर लूँगा बाकी। हालाँकि हमने आज पूरा इन्जॉय किया अकेले, गाड़ी में सो भी लिए थोड़ी देर आधा घंटा। और जब ये एक मतलब रिचुअल है नेहरू प्लेस आता हूँ तो मैं गाड़ी के अंदर अपना पेट्रोल डलाता हूँ, वो आज फिर करूँगा मैं काम, क्योंकि गाड़ी के अंदर रिजर्व लग गया, और रिजर्व में गाड़ी चलाना खतरनाक होता है, क्योंकि इंजन पे लोड पड़ता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इंजन तेल लेता है ना अपने आप को चलाने के लिए, पुश करने के लिए, और वो थोड़ा सा गाड़ी के लिए ठीक नहीं इंजन के लिए, तो आप रिजर्व में गाड़ी ना चलाएं। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको चल रहा है, तो हमने कहा अपनी गाड़ी में क्यों नहीं चला सकते, इंस्टा पर चल रहा है सब जगह बूम बूम हो रहा है। भैया डूम कर दिया, 2000 रुपये का डाल देना, पेट्रोल है। हाँ पेट्रोल है, अगर इन्होंने डीजल डाल दिया ना तो गाड़ी में टेंशन हो जाएगी भाई, और दिमाग में तो टेंशन हो ही जाएगी, गाड़ी को तो टेंशन आई क्या, मैं खाती हूँ पेट्रोल, तुम पिला रहे हो मुझे पेट्रोल, सॉरी पेट्रोल मैं, अब तुम मिला रहे हो डीजल, कैसे बात बनेगी बताओ, आप लोग समझदार हो। हाँ देख लिया, बार बार जाएगी नहीं मेरी, क्योंकि शीशे बंद है। पेटी में फ़ोन पे दे दो,
जरा बोनेट में हाथ मार देना, बोनेट खोल दिया गलती से मैंने। हाँ बोनेट तो आगे ही होता है। नहीं, मैंने कर दी। अरे क्या सीन हो गया, कार्ड ले लो कार्ड। चक्कर गया ना मेरे ना, व्हाट्सएप हो गया मेरा बैन। उस चक्कर में ना मैंने अपने नंबर रिचार्ज नहीं कराया, मेरे जो पुराने नंबर है वो रिचार्ज ही नहीं कराया मैंने, और वो हो गया लॉग आउट। व्हाट्सएप फ़ोन पे और पेटीएम दोनों मेरे लॉग आउट हो गया। अब जो लॉग आउट हो गया तो फिर मैं अब व्हाट्सएप चला मतलब फ़ोन पर पेटीएम चला नहीं सकता, मुझे को रिचार्ज कराना पड़ेगा। मैं रिचार्ज कराऊँ क्यों जब मेरे बैन ही हो गए, तो मैं उन नंबरों को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरे नए नंबर हैं। और उससे बहुत अच्छी बात ये हो गई, जो मेरे अनवांटेड लोग थे ना जो मेरे को फालतू के मैसेज करते रहते थे, वो अब थोड़े से दूर हो गए, तो अब थोड़े से पीस रहती है ज़िंदगी में। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वो अगर मुझे मतलब कभी वो मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, बस वो मेरे को इंस्टा के थ्रू मेरे को मैसेज कर पाएंगे। वो इंस्टाग्राम भी मैं चलाता नहीं, मेरी टीम चलाती है, वो भी रिप्लाई करते नहीं। वो भी मेरे से भी ज़्यादा फन्ने खाए भाई, वो मेरे से भी ज़्यादा बिजी लोग, रिप्लाई नहीं करते। लोगों को बोलते रहते हैं जीत का नंबर दे दो, जीत का नंबर दे दो, कहते हैं नहीं है, रीड ही नहीं करते, मैसेज रीड नहीं करते भाई, उनको पता ही नहीं, मतलब वो जाते ही नहीं रिक्वेस्ट मैसेज में, जाते ही नहीं बॉक्स में, जाते ही नहीं है, क्यों जाएं? वो कहते हैं भैया हम क्यों जाएं, हमारा क्या मतलब बड़ा है, जो जानते हो लोग आप उनको अपना नंबर ढूंढ लेंगे। मैं बहुत सही है, तुम्हारी बात भी सही है भाई, क्या करें।